रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हबीब वेल। मैं एक दफ़ा फिर से क्योंकि पार्ट ऑफ जो लोग मेरे चैनल पर नहीं कर सब्सक्राइब करें, तो इस वक्त मैं जनाब अल रेडी हूँ एक हीरो सुपर हीरो के सूट में। तो हांगकांग में बारिश हो रही है सुबह से और मैंने अपनी वर्दी पहनी है सरकार। सुबह काम पर जैसे घर से निकला तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो इस वक्त बारिश तो रुक गई है, लेकिन मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज दिखा देंगे आवाम कैसे काम करती है हांगकांग में बारिश वाले दिन और हम कैसे काम करते हैं, क्या सीन होता है हमारा यहाँ पर। तो इस वक्त मैं एक ग्राउंड में खड़ा हूँ, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ अपना आडू उठाने के लिए, तो सोचा थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर बना लें, साथ गपशप थोड़ी लगा लें, वेलकम कर लें आपको, तो साथ में आपको दिखाते जाते हैं, गपशप लगाते जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे विद मी एंड लेट्स गो। ठीक है जी, आ रहा यहाँ की सराउंडिंग चेक करें माशाल्लाह से। ये तो हमारी आइकॉनिक जगह है, फेमस जगह है, जो मैं तकरीबन हर पांचवी चौथी वीडियो में मैं ये जगह आई होती है। तो यहाँ का व्यू थोड़ा सा ज़बरदस्त आ रहा है, सुबह सुबह बारिश हुई है और बारिश के बाद क्लाउडी सा वेदर है, ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा यहाँ से निकलते हैं और वीडियो बनाते हुए यहाँ से निकलते हैं। एज अ डिलीवरी राइडर हमारा वेदर जैसा भी हो, जो भी हो, सीन हो, हमें काम पर आना ही पड़ता है। और ये एक बना देखें, ये भी डिलीवरी राइडर ही है, समझ लें इसको। मैं जब से हांगकांग में काम करूँ, मतलब कि जब से योदांग में काम करूँ, इसके पास पुराना साइकिल होता था और अभी इसने साइकिल चेंज की है, और वो भी ये पैडल वाली साइकिल रखी है, इसने बिजली वाली साइकिल इस्तेमाल नहीं करता ये बंदा। और तो अभी मेरे आर्डर लगा 7-11 पे, वहाँ पर चलते हैं जनाब वाला। तो अगर हांगकांग में बारिश हो जाए तो हमें सुपर हीरो बनना पड़ जाता है, तो इस वजह से कि भाई बारिश में काम तो हो नहीं सकता। इस वजह से हमारे जितने भी दोस्त हैं काफ़ी जो काम करते हैं, जो पुराने, तो पहले तो यहाँ से कुछ गुजारा वगैरह कर लेते थे, कुछ वो तरपाल वगैरह डाल लेते थे अपने ऊपर, लेकिन जब से ये थोबों ने अपना चार संभाला ना पूरे इस रीजन में, तो आवाम जनाब अल्लाह काफ़ी सुखी हो गई है। वो इस तरह के वहाँ से आपको हर तरीके के लाइक बारिश में काम करने वाले गियर्स, आपको हर तरीके के कपड़े वगैरह, ये बारिश वाले हर चीज़ मिल जाती है आसानी से। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हमने सुपर हीरो के कपड़े पहने हुए हैं, सुपर हीरो बने हुए हैं, एक्चुअली वी आर रियल लाइफ सुपर हीरो। तो इस वजह से जनाब अल्लाह बारिश में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुश्किल नहीं होती कोई भी किसी किस्म की। तो इस वक्त मैं जनाब अल्लाह जा रहा हूँ डिलीवर करने के लिए, और मेरे पीछे आपको आवाम सारे इस वक्त ये द टाइम इज़ कि एवरी वन इज़ बिजी, एवरी वन इज़ वर्किंग राइट नाउ। तो एक अमी नहीं है या एक आप ही नहीं है कि हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने भी बहुत बड़ा काम है, पर चलें लेट्स वेट। तो बारिश वैसे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने सूट इस वजह से पहना हुआ जनाब है हीरो वाला, कि एक बार ये सूख जाए ना तो वापस इसको बैग में डाल दूंगा, तो थोड़ा सा इसको ड्राई अप कर लेते हैं, तो बाद में बैग में डाल लिया जाएगा, फिर आसानी होगी मेरे लिए रखने में, क्योंकि अगर इस तरह बैग में डाल दिया तो सारा कुछ ख़राब हो जाना बाद में जनाब वाला, यहाँ से मेरा पहनने का जी भी नहीं चाहेगा बाद में। तो अपना सुपर हीरो वाला सूट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बारिश ने भी आँखें खोलना शुरू कर दी हैं। सुपर हीरो वाला सूट निकाल लेते हैं, बारिश ने नहीं धूप ने आँखें खोलना शुरू कर दी, बंदा फ्लो में पता नहीं क्या बोल जाता है। सो स्पेशल किस्म का बैग रखा हुआ है, इसके अंदर वापस कपड़े डाल देते हैं, मैं सुपर हीरो कपड़े, व्हेन इज देयर रेनिंग वी आर सुपर हीरो। तो इस वक्त सुपर हीरो शीरो खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई है और सुपर हीरो भी खत्म जनाब। सरकार बात यह है कि बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जो भी हो, मामलात ज़िंदगी अमर चलते ही रहते हैं, कुछ चीज़ रुकती नहीं है। तो मैं अभी मार्केट में चला गया था, मैंने सोचा कि 11 बजे तक बंद कर देते हैं, आटे शाटे कोई नहीं आएगा, चार चल कर चाय की प्याली पीते हैं, लेकिन जैसे मैं जाके खड़ा हुआ, साइकिल अपनी स्टैंड लगाई, तो फौरन ही आर्डर आ गया। मैंने कहा चलो यार पहले काम जो है काम शम करते हैं, बाद में सारा काम होता रहेगा। और तो आवाम जोरों के साथ लगी हुई ना, पहले सिलेंडर उतारने के लिए काम करी आवाम मार्केट के अंदर। कहते हैं कि सुपर हीरो तो हम है ही हैं, लेकिन बारिश हमें मजीद बना देती है, जब बारिश का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मतलब बारिश के कपड़े पहनते हैं, तो फिर मजीद सुपर हीरो लगने लग जाते हैं। तो इस वजह से बारिश के अंदर अच्छी होती है, मतलब सुपर हीरो बना बन जाता है, कुछ सीन बना कर लेता है, कोई वीडियो वीडियो बना हमारी बन जाती है, कुछ सीन हो जाता है इस तरह का, मतलब ये है मेरा। ये साडा पुलाव है, मटन पुलाव, ठीक है जनाब, चेक करो दाल माश है, अदरक के बीज नहीं मारना, आलू तोड़ी है, वेजिटेबल, चेक कर चिकन, ये चिकन होगा जरा तू पाकिस्तान सदर होटल का मुड़ा का खाना है, समझ आई है, ये मटन कढ़ाई है अल खालिक होटल है, अंडा चना है स्पेशल पेशावरी, समझ आई है, चिकन जलफड़ी कदम खाधी है, ये चिकन जलफड़े की है अल खालिक होटल तक तो बैग खाई, इसी बस ये कि क्रीम नहीं है, चिकन बिरयानी चेक कर, एक पता देना घर नहीं, नानी बनाया है।
लंच करने के बाद काम दोबारा शुरू कर लिया है और अभी मैंने ऑर्डर डिलीवर किया और जैसे ऑर्डर डिलीवर करके नीचे आया हूँ तो हालात देखेंगे। जैसे नीचे पहुँचो बारिश स्टार्ट हुई यार, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ, काम करो या रुक जाओ या सुपर हीरो का सूट पहन लो, लगता सुपर हीरो का सूट ही पहनना पड़ेगा जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं मुझे। न्यूज़ ये है कि रात को 11:10 पर हांगकांग की गवर्नमेंट ने, मतलब हांगकांग का जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट का जो महकमा है, उन्होंने टाइफून नंबर 8 लगा देना, 8 नंबर तूफान, और ये रहेगा तकरीबन सुबह 10 बजे तक। 8 नंबर में आप काम नहीं कर सकते, कोई शॉप ओपन नहीं होती, कोई सीन नहीं है, सारे बंदे घर इंजॉय कर रहे थे, घर में खाने पक रहे होते हैं, खाने खा पे घर में इंजॉय हो रहे हैं सारा कुछ। तो मेरा वैसे भी काम ख़त्म हो जाएगा, जब 9:15 तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जनाब अल्लाह मैंने ये करना है कि छुट्टी के लिए घर जाना है, घर जाकर इंजॉय करना है, सुकून करना है, खाना वगैरह खाना है, फ्रेश होना है और सुबह आराम से उठना है और आराम से काम बनाना है। और कल हो सकता है कि थोड़ी देर तक काम करते रहें, ये वाला सीन हमारे साथ होगा। तो इस वेरी सडन के नंबर 8 लगने वाला है। मैं सोच रहा था कि यार शुक्र है कि इन दोनों 8 नंबर तो मान लगता है, लेकिन अच्छा ये है कि रात को लगेगा और सुबह जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अनलेस के कोई फर्दर न्यूज़ आ जाए कि नहीं ये थोड़ा देर तक रहेगा, वो सीन हो, बाकी सब खैर है। दोस्तों तूफ़ान के बाद कुछ ऐसा सीन है, रात को मैं अपनी वीडियो कम्प्लीट नहीं कर सकता था दोबारा, आज जब तूफ़ान ख़त्म हुआ सुबह लाइक 10:20 पर, तो तकरीबन 11 बजे तक मैं काम पर आ चुका था। तो कुछ देर पहले तो वेदर काफ़ी अच्छा था, ज़बरदस्त था, लेकिन अचानक से ये जो है ना, वो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है ना, यहाँ पर हांगकांग में बारिश की लोड शेडिंग होती है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। तो जैसे बलाव लूटो बोलते ना, जब ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है, कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है, यू एल साहब हो रहे हमारे साथ। चलो वीडियो आज कंप्लीट कर देते हैं, साथ अपलोड कर देंगे शाम को, डजंट मैटर।